हेलो स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी एक्सप्लेन एक्सरसाइज 3.3। तो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक्सप्लेन किया था। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका सेम था। क्वेश्चन नंबर 4 आपका वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 512 शुड बी मल्टीप्लाई सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके स्टूडेंट, तो एक आपका ये मल्टीप्लाई बेस्ड क्वेश्चन है और एक आपका डिवाइड क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने के स्टेप सेम है, बट लास्ट में आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो क्वेश्चन है 512 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो नंबर है 512 वो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट यू फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द 512। ओके, नाउ सॉल्व इट। हियर वी हैव 512। नाउ फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 512। फर्स्ट वी टेक 2 to 2 जा 4, कैरी 1 to 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12। अगेन 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। अगेन 2 से करेंगे 2 6 जा एंड 2 4 जा। अगेन 2 2 3 जा 2 2 जा 4 एंड अगेन 2 16 आ जाएगा आपका। अगेन 2 से करेंगे तो 8। अगेन 2 से करेंगे 2 4 जा एंड 2 2 जा। अगेन 2 1 जा। ओके, अब देखिए सुनिए, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने आपको बताया था आपको क्या करना होगा, वहाँ पे पेयरिंग करनी होती। तो यहाँ पे पहले हम पेयरिंग करते हैं। तो आपने देखा कि मैंने जब पेयरिंग किया तो यहाँ पे वन फैक्टर हमारा अनपेयर्ड हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में है कि 512 हम किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें इसमें कि हमारा कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब देखिए यहाँ पे 512 के जो आपके प्राइम फैक्टर आए उसको यहाँ पे राइट करें, कितने पेयर हैं, 1 2 3 4, मीन 8। 1 2 3 4 एंड 1, तो ये आपका जो है प्राइम फैक्टर हो गए। अब यहाँ से हम देखेंगे इसकी पेयरिंग करते हैं। तो फर्स्ट पेयरिंग आपकी कंप्लीट है, सेकंड कंप्लीट है, थर्ड कंप्लीट है एंड फोर्थ कंप्लीट है, बट ये आपका यहाँ पे कंप्लीट नहीं है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अगर यहाँ पे पेयरिंग हमें कंप्लीट करना है तो यहाँ पे 2 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। मेन क्वेश्चन कहता है 512 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो वो जो आपका लीस्ट नंबर होगा वो क्या होगा, 2। 512 में हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी आपका सेम रहेगा। ये आपका जो 2 अनपेयर वाला था, यहाँ पे भी हम 2 से बोथ साइड, क्योंकि जब इसमें करेंगे तभी ये 2 यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट फैक्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई, तो सुनिए यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10। ओके, अब यहाँ से आपकी कंप्लीट पेयरिंग हो गई, तो इसको आप यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा देंगे और ये आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 into 2 into 2 into 2। तो कंप्लीट आपके 5 पेयर हो जाएंगे, 1 2 3 4, और ये आपका हो गया 5। अब यहाँ से आप क्या निकालेंगे, 5 टाइम 2 निकाल लेंगे बाहर, 1 2 3 4 5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो अब आपको यहाँ से पूछा गया था क्वेश्चन में वो लीस्ट नंबर कौन सा होगा, तो लीस्ट नंबर आप लिखेंगे 2 होगा। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि तो न्यू परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, तो नंबर तो हमारे पास ये था, तो इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो न्यू परफेक्ट स्क्वायर जो हमारा होगा 32 का होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका सेम है, बस क्वेश्चन में चेंज है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मल्टीप्लाई करने की बात चल रही थी और यहाँ पे आपका डिवाइड है। क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 363 शुड बी डिवाइड टू सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। मीन्स आपके पास जो यहाँ पे नंबर है 363, मीन 363 है, तो इसमें हम किस नंबर से डिवाइड करें कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो फिर से हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर निकालेंगे 363 के। ओके, तो दैट इज 3 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा। ओके, अब 1 2 1 स्टूडेंट किससे जाएगा आपको पता होना चाहिए, 11 का स्क्वायर है। ठीक है, 11 से करेंगे तो 11 टाइम एंड 11 1 जा, तो 363 का आपके पास प्राइम फैक्टर आ गए हैं 3 × 11 × 11। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे ये आपका कंप्लीट क्या है, पेयरिंग है, बट यहाँ पे 3 आपका कंप्लीट पेयरिंग नहीं है। तो यहाँ पे अगर हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे, अगर 3 यहाँ से हट जाता है तो हमारा एक कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। मीन आपको क्या करना होगा, 3 से बोथ साइड डिवाइड करना होगा। ठीक है, 3 × 11 × 11 / 3, तो 3 से 3 यह कैंसिल हो गया और 3 से कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा, मीन 1 2 1, तो 1 2 1 आपका हो जाएगा 11 × 11, तो ये परफेक्ट स्क्वायर आपका बनेगा 11 का। ओके, तो रिमेन क्वेश्चन स्टूडेंट इसी तरह आपको सॉल्व करने हैं। और कंप्लीट एक्सरसाइज में स्टूडेंट इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन में मल्टीप्लाई है, कुछ क्वेश्चन में डिवाइड है। नेक्स्ट वीडियो में जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं उनको मैं एक्सप्लेन करूँगा। ओके,